उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती से की मुलाकात। मौजूदा राजनीतिक हालात और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। 2019 के लिए महागठबंधन की कोशिशें तेज। लालू के बेटे तेजस्वी यादव आज अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। एसपी से गठबंधन के बाद बीएसपी में बगावत। पूर्व सांसद रीना चौधरी का पार्टी से इस्तीफा। मायावती पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़ाई एसपी बीएसपी गठबंधन की मुश्किलें। कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का अखिलेश यादव पर तंज। जो अपने पिता और चाचा का नहीं हुआ वो बुआ का क्या होगा। इंडिया से नाराज चल रहे एसपीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी एसपी और बीएसपी के गठबंधन पर किया कटाक्ष। कहा कि सबने देखा 2017 में इन पार्टियों का क्या हश्र हुआ। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले घमासान। आरएसपी ने मोतिहारी और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र पर किया दावा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली और मुजफ्फरपुर से लड़ने की जाहिर की ख्वाहिश। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन को चिराग पासवान ने बताया बड़ी चुनौती। कहा विपक्ष को हराने के लिए एनडीए को और मजबूत करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दुबई में दिए गए बयान पर बीजेपी नेता राम माधव ने साधा निशाना। कहा देश की छवि खराब करना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सीएम योगी की तुलना जहरीले अजगर से की। यूपी के अमरोहा में एक कार्यक्रम के दौरान अल्वी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी की जुबान से अल्फाज नहीं बल्कि जहर निकलता है। राम मंदिर को लेकर उद्धव ने फिर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनाव आते ही बार बार कहने लगते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सीएम भूपेश ने दी सफाई। पूछा जिन्होंने धान के कटोरे को दारू का कटोरा बनाया वो किस मुंह से कर रहे हैं शराबबंदी की बात। एमपी में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार पर बोला हमला। कहा 15 साल पहले जैसी सड़कों पर चलने को दोबारा मजबूर है प्रदेशवासी। जर्जर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम हुआ ठप। मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा और संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो इंदौर के कार्यक्रम के दौरान गिरकर हुई घायल। इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इंदौर में भैयू जी महाराज के ट्रस्ट को लेकर मचा घमासान। ट्रस्ट के सचिव तुषार पाटिल का आरोप भैयू जी की दूसरी पत्नी ने ट्रस्ट के ऑफिस पर किया कब्जा। राजस्थान में 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की कवायद। जिला स्तर पर हुई बैठकें। नाम फाइनल होने के बाद आलाकमान को भेजा जाएगा पैनल। राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया के हाथ में नेता प्रतिपक्ष की कमान। वसुंधरा राजे के प्रस्ताव पर सभी विधायकों का समर्थन। कटारिया ने कहा जनता की आवाज करेंगे बुलंद। राजस्थान में चुनाव में विराटनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट दिलाने के नाम पर 1,90,00,000 रुपए की ठगी। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात में आज से लागू होगा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया ऐलान। प्रयागराज में पहला शाही स्नान 15 जनवरी को। प्रशासन ने पूरी की तैयारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी सांसद और निर्मल अखाड़ा के महामंडलेश्वर साक्षी महाराज ने लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने की मांग की। साक्षी महाराज का दावा प्रयागराज कुंभ में मंदिर निर्माण को लेकर तस्वीर हो जाएगी साफ। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर चिंता जाहिर की। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट में कुल 59 एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस की साझा कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में युवाओं ने फाड़े हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर। सियासी रैलियों और 26 जनवरी के समारोह के बहिष्कार के लिए लगाए गए थे पर्चे। कश्मीर के शोपिया में आतंकी जीनतुल इस्लाम के जनाजे के दौरान सुरक्षा बलों पर बरसाए गए पत्थर। महबूबा ने कहा धार्मिक मामले में दखल से बढ़ेगा गुस्सा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाघ से जान बचाने का वीडियो वायरल। जंगल में घूम रहे वन कर्मियों के सामने अचानक आ गया बाघ। पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के अफसरों की भरमार के चलते एक दूसरे के बीच आपसी तालमेल बिगड़ा। एटीओस ट्रेनिंग शाखा के एडीजी के बीच तकरार की खबर। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने 10 दिन पुराने हत्याकांड का किया खुलासा। बकाया 1,000 रुपए लेने के लिए 2 दोस्तों ने ही की थी हत्या। मध्य प्रदेश के सिवनी में युवती के अपहरण और रेप के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार। 5 युवक में से एक शख्स ने फेसबुक के जरिए युवती से दोस्ती की और फिर वारदात को दिया अंजाम।
मध्य प्रदेश के झाबुआ में पतंग बाजारों में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के फोटो वाली पतंगों के खास मांग। बिहार के बोधगया में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात, एक घंटे में 3 बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए के जेवर, बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड। झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी भोजहरी सिंह मुंडा गिरफ्तार, आरोपी को खूंटी के अड़की के जुज। बिहार के दानापुर में पड़ोस में रहने वाले शख्स पर बच्ची से रेप और हत्या का आरोप, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पीटा, गांव में तनाव का माहौल। झारखंड के पलामू पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन के 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए नक्सलियों पर कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने आरोपी विक्की को किया गिरफ्तार, बालिका गृह कांड की आरोपी मधु का रिश्तेदार है विक्की। राजस्थान के जयपुर में पतंगबाजी के दौरान गला कटने से एक बच्चे की मौत, हादसे के दौरान घर के बाहर पार्क में खेल रहा था बच्चा। यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान कार में फटे पटाखे, एक ही परिवार के 4 लोगों की बाल बाल बची जान। गुजरात के छोटा उदयपुर में चोरों ने चांदी के कड़े चोरी करने के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटे, बुजुर्ग महिला ने पैरों में पहन रखे थे चांदी के कड़े। मुंबई के बेस्ट बस स्ट्राइक का आज 7वां दिन, सरकार से बातचीत बेनतीजा। तेलंगाना के हैदराबाद में मकर संक्रांति पर पतंग और स्वीट महोत्सव का आयोजन, 20 देशों के 45 प्रोफेशनल पतंगबाज कर रहे हैं शिरकत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र में खड़े होकर डीएमके कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रामेश्वरम मंदिर से तीर्थम को शिफ्ट करने का विरोध। तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका की नेवी ने 20 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, भारतीय मछुआरों की 3 बोट भी जब्त की। ओडिशा बीजेपी महिला अध्यक्ष प्रभाती परिदा ने पटनायक सरकार पर लगाया महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप, कहा सीएम को चूड़ियां भेजेंगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बीजेपी की पदयात्रा, बेलासौर की पदयात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू की तैयारी शुरू, प्रशासन ने जल्लीकट्टू के लिए सांडों के रजिस्ट्रेशन का काम किया शुरू। एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गिद्धों की गिनती का काम शुरू, प्रबंधन का दावा इस बार गिद्धों की संख्या हुई दुगुनी। पढ़ने के शौकीनों को दिल्ली मेट्रो में मुफ्त मिलेगी किताब, पढ़कर लौटा भी सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टर्की को चेतावनी, कहा कुर्दों पर हमला किया तो आर्थिक तबाही झेलने को तैयार रहे। अमेरिका के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, पश्चिमी अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 4 की मौत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर तेजी, दिल्ली में पेट्रोल 38 पैसे बढ़कर 70.13 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल 49 पैसे तेजी के साथ 64.18 रुपए प्रति लीटर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड पहुंची भारतीय टीम, 15 जनवरी को खेलेगी दूसरा वनडे। विकेटकीपर बल्लेबाज अंबाती रायडू के बॉलिंग एक्शन पर सवाल, आईसीसी 14 दिन के अंदर करवाएगी जांच। मेलबोर्न में आज से साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत, 100वां खिताब जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं फेडरर। बेंगलुरु रैप्टर्स टीम ने रविवार को मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। एफसी एशियन का फुटबॉल में ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला बहरीन से, भारत के पास बहरीन में 2011 में मिली करारी हार का बदला लेने और नॉकआउट राउंड में जगह बनाने का सुनहरा मौका। फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने महिला के आरोपों को नकारा, संजू फिल्म के दौरान काम कर रही एक महिला ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म सुपर 30 की रिलीज डेट बदली, पहले 25 जनवरी को रिलीज होनी थी सुपर 30। दीपिका पादुकोण ने ठुकराई रणवीर सिंह की फिल्म 83, कपिल देव की बायोपिक पर बन रही फिल्म का डायरेक्शन कबीर खान कर रहे हैं। फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान दीपिका और आलिया पर भड़की कंगना, कहा मैं सबकी एक्टिंग की तारीफ करती हूं लेकिन मेरा कोई जिक्र तक नहीं करता। फिल्म ठाकरे का पहला गाना हुआ रिलीज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दमदार लुक दिखा।